चार दिन हो गए मारते हुए उनको, ये बुधवार 29 तारीख की लड़ाई है सर। थाने पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही, थाने पाल जो डायरेक्टर साहब आए थे तो उनका भी ये कहना था कि जितने भी अपने जनपद है आप विधायक जी से जानेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उनकी क्या तैयारी है। कोरोना की थर्ड वेव को दृष्टिगत रखते हुए आज मैंने विधिवत संयुक्त चिकित्सालय का सघन परीक्षण किया, निरीक्षण किया और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। कोविड के संबंध में दवाइयों के किट्स तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में आशा बहुओं के माध्यम से बंटवाए जा रहे हैं। अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है और कोविड के परीक्षण के लिए आरटीपीसीआर मशीन पर काम हमारे लोग निरंतर कर रहे हैं। कोविड लैब तैयार करा दी गई है और मरीजों के बैठने के लिए भी अलग से वीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण यहाँ करा दिया गया है। कोविड के संबंध में जो आवश्यक वस्तुएं सैनिटाइजर है, मास्क है और दवाइयां हैं, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीएमओ को अलग से हिदायत दे दी गई है ताकि समय रहते किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को अगर कोविड होता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट भले ही उसे आइसोलेटेड अस्पताल में किया जाए या होम आइसोलेट किया जाए। इस तरह से कोविड के संबंध में थर्ड वेव के बारे में हमारा सीधा सोच है, हमारा एक एक व्यक्ति कोरोना से मुक्त रहे, स्वस्थ रहे और किसी तरह की बीमारी से वो अगर है परेशान तो अविलंब हमारी आशा बहुओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, नर्सों के माध्यम से उनको अस्पताल ला करके उनका अविलंब चेकअप करा के उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये सारी व्यवस्था करा दी गई है। डॉक्टर जीपी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर। ओमिक्रॉन की तैयारी के लिए जनपद में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल जो 3 तारीख और 4 तारीख को होनी थी वो भी संपन्न काफ़ी हद तक हो गई है, शाम तक वो भी रिपोर्टें आ जाएंगी। जनपद में 340 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं जिसमें 200 बेड यहाँ जिला चिकित्सालय में और 100 बेड तालबेहट CSC पर और 40 बेड मेहरौनी पर जो है हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो CSC मंडावरा और बार पे भी जो है चिकित्सकीय प्रबंध किए गए हैं। किसी भी स्थितियों को निपटने के लिए हमारे पास सारी लॉजिस्टिक और मैन पावर की व्यवस्था है।